बेगूसराय में परिवार विकास पखवाड़ा के तहत कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सदर अस्पताल में डॉक्टरों तथा कर्मचारियों ने जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के लिए प्रभात फेरी की। वहीं भाजपा नेताओं ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस मौके पर भाजपा नेता सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पद चिन्हों पर चलते नजर आए। बेगूसराय भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने सीधे सीधे अल्पसंख्यकों पर वार करते हुए कहा कि आज जनसंख्या बढ़ाने में खास समुदाय के लोगों का अहम योगदान है और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में न संसाधन बचेगा और न ही सामाजिक सौहार्द। एक उदाहरण देते हुए संजय सिंह ने बताया कि आज बरौनी में एक शख्स ने 40 वर्षों में एक पूरी बस्ती तैयार कर ली है और अब उसकी आबादी 600 से अधिक है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जनसंख्या नियंत्रण अभियान की पूरी तरह समर्थन भी किया तथा केंद्र तथा राज्य सरकार से भी मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक ठोस कानून बनाया जाए जो सामान्य रूप से सभी समुदाय के लोगों पर लागू हो। भाजपा नेताओं के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी रहेगा। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। आप जाके देखें, आप जाके देखें कि खास करके ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अल्पसंख्यक में खास करके मुसलमानों में शिक्षा के अभाव के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण उनका जनसंख्या जो है दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। और जब बच्चे बढ़ते हैं तो ना तो उसकी अच्छी परवरिश हो पाती है, ना तो वो पोषण के शिकार हो पाते हैं, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं पोषण के बदले, और उस बच्चे का भी भविष्य जो है वो चौपट होता है। तो निश्चित रूप से वो केंद्रीय मंत्री के रूप में ना देखें, मैं ये देखता हूँ कि वो समाज के एक नागरिक हैं और समाज के नागरिक के चलते वो एक सही बात उठा रहे हैं और एक समय आएगा कि हमारे साथ सुरताल मिलकर आपको भी उठाना पड़ेगा। संख्या जिस गति से, द्रुत गति से बढ़ रही है, पूरे पृथ्वी के संसाधन को ये लील कर जाएगी, पूरे पृथ्वी के संसाधन को समाप्त कर देगी और पूरा भौगोलिक स्थिति जो देख रहे हैं, पर्यावरण, सारा चीज़, प्राकृतिक संसाधन, सारा चीज़ तहस और नहस हो जाएगा। अतः सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। के तौर पे बताना चाहता हूँ, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ, बरौनी में एक अली नाम का आदमी जो गाय की पूंछ काटता है वो आया था 40-50 साल पहले। आज आप जाएंगे तो वहाँ पे एक बस्ती बस गई है जिसकी आबादी 600 से ज़्यादा है। अगर 40 सालों में एक आदमी से 600 की आबादी बढ़ रही है तो आप कल्पना कीजिए कि यह जनसंख्या कहाँ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे के शरीर पे पांव रख के आगे बढ़ेंगे और ये प्रकृति नष्ट होगी। अतः हमारा स्पष्ट मान्यता है सरकार से कि एक सख्त से सख्त जनसंख्या पे, जिस तरह से चाइना ने कंट्रोल किया, अन्य देश इस पे कंट्रोल का काम कर रहे हैं, उसी तरह से भारत में भी सख्त से सख्त कानून बने और जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए।